वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टीचिंग यू लेसन नंबर फर्स्ट, पालमपुर की कहानी। द बुक नेम इज अर्थशास्त्र, इन इंग्लिश इकोनॉमिक्स, एंड इट इज़ फॉर 9th क्लास। लिसन केयरफुली, आई वुड स्पीक इन हिंदी सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पालमपुर की कहानी में बताया क्या गया। देखो, इस कहानी के अंदर हमें कुछ बातें बताई गई जो एक गाँव के अंदर होती हैं। जो पालमपुर है ना, वो एक काल्पनिक गांव है, ये रियल गांव नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर हमें बता रखा है कि स्थाई पूंजी किसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, और कृषि की क्रिया कौन कौन सी होती है, और कृषि के अलावा और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और पालमपुर में बिजली के आ जाने से क्या लाभ हुए, और गाँव के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से अपने आजीविका का पालन कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो अमीर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, कितने हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं। देखो, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि बुक का नाम अर्थशास्त्र है। अगर आप सिंपल भाषा में बोलोगे ना, तो ये बोलोगे अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब अध्ययन, तो मतलब धन का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र है। लेकिन अगर आप अच्छे से बताओगे तो ये बोलोगे अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं अपने आजीविकों को कमाने के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। देखो, 2 प्रकार की क्रिया होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक। पहले परिभाषा या इसका मीनिंग समझ लो कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, उसी का अध्ययन है। समझ में आ गया। अब आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती है जो धन से संबंधित होते हैं, जो धन कमाने के लिए की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसे पैसे मिलेंगे। ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में सेवा कर रहे हो, आप अपने मम्मी पापा के लिए पानी ला रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे, पैसे थोड़ी लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में नौकर आ रहा है, वो आपका यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे, तो वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। जिसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, आपका सेवा का भाव है, वहाँ गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं, और इसको अनार्थिक क्रिया भी कहते हैं, अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब पालमपुर के इस चैप्टर के बारे में हम समझ लेते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा व्यू बताया था। तो पालमपुर, मैंने आपको बता दिया कि पालमपुर का जो गांव है वो एक काल्पनिक कहानी है, ये रियल कहानी नहीं है। पालमपुर का गांव भी काल्पनिक है, ठीक है। पालमपुर में जो कृषि है वो मुख्य क्रिया है। कृषि का मतलब होता है ना खेती बाड़ी से जुड़े जितने भी सारे काम है, जैसे पशुपालन भी आ जाएगा। लेकिन जो पालमपुर के जो गाँव के लोग हैं वो मुख्य क्रिया के अलावा और भी क्या क्या काम करते हैं, डेयरी, दूध वगैरह का, परिवहन का, विनिर्माण मतलब जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो छोटे से लेवल पे किया जाता है, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा उसके लिए संसाधन चाहिए, संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है, ठीक है। तो संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो ये सब चीज़ें चाहिए किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए, और मनुष्य का प्रयास और मुद्रा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तभी चीज़ों का निर्माण हो सकता है। अब पालमपुर के आसपास के जो गाँव हैं वो देख लेते हैं कौन सा है। तो रायगंज है, ये बड़ा गाँव है, ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे कस्बे और भी हैं, जैसे शाहपुर है, क्या है, शाहपुर, ये सड़कें आपस में एक दूसरे को जोड़ देती हैं, ठीक है। तो इस मार्ग पर जब ये जो रास्ता जो जोड़ रहा है, इस मार्ग पर गुड़िया अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन यथा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जाते हैं। मतलब ये जो सड़क जोड़ रही है ना गाँव को कस्बों को, तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है, मतलब काफ़ी मतलब लोग सामान इधर से उधर लेके जा रहे हैं। अब आगे सुनो क्या है। देखो, इस गाँव में अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं, मतलब गाँव में लगभग 450 परिवार हैं, ठीक है। और गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, मतलब जो जमीन के जो बड़े बड़े मालिक हैं उच्च जाति के हैं, उच्च जाति के 80 परिवार वो लोग हैं। उनका मकान जिसमें कुछ बहुत बड़े हैं, मतलब उनके मकान बड़े बड़े ईंटें और सीमेंट से बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और जो SC हैं, अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गाँव की कुल आबादी का 1/3, मतलब 1/3 है, 1/3 है, कितना है, 1/3, यानी कि 450 परिवार का अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3×1=3, 3×5=15, 150 परिवार जो हैं लगभग किसके हैं, दलित जाति के हैं, ठीक है। वे गांव के कोने में बहुत छोटे घरों में रहते हैं, मतलब बहुत गरीबी में रह रहे हैं, और कुछ मिट्टी के और कुछ फूस के वनों में रह रहे हैं। ज़्यादातर घरों में बिजली है, ठीक है, और खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, मतलब जितने भी सारे खेत हैं सब में बिजली से सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों करने के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक स्कूल हैं, देख लो कितने स्कूल हैं, 5वीं तक के स्कूल हैं 2, और एक हाई स्कूल भी है, क्या, एक हाई स्कूल भी है। और गांव में एक राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और निजी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है वहाँ पे एक, ठीक है। और यह मरीजों को उपचार किया जाता है, भाई हॉस्पिटल में तो मरीजों का देखभाल की जाएगी। देखा, ये लिखा आगे ना, ये काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव की विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। ये काल्पनिक कहानी इसलिए ताकि ये गांव के अंदर क्या क्या होता है हम जान सके, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कृषि कार्य तो होते ही हैं, और गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अब तो टिक मार्क के आएंगे, तो आपसे बोलेगा कि गैर कृषि कार्य इनमें से कौन सा है, तो लघु निर्माण, परिवहन,
दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है, ये ग्यारह कृषि कार्य हैं। देखो, हमें चीज़ों को उत्पादन तो करना है, और उत्पादन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ की हमें जरूरत है। तो वस्तु और जो सेवाएं हैं ना, उनके उत्पादन के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होती हैं। कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं? चार चीज़ें, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो सबसे पहले भूमि सुन लो। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना। भूमि एक प्रकृति, जैसे पानी होता है, जंगल होते हैं, ऐसे भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है श्रम। श्रम मतलब जो हम काम करेंगे ना, मेहनत करेंगे, वो कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है, कुछ के लिए नहीं पड़ती है जरूरत, कुछ के लिए शारीरिक जरूरत होती है। क्या होता है? श्रम में हाथों से काम करना होता है, तो ये सब हमें इनके लिए जरूरत होती है, श्रम। तो ये दूसरा हो गया श्रम। तीसरा हो गया भौतिक पूंजी। पूंजी मतलब होता है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों का निर्माण करेंगे, जैसे मशीन हो गई, औजार हो गई। अब भौतिक का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो और अब सुनो, भौतिक पूंजी के अंदर देखो, औजार है, मशीन है, भवन है ना, ये सब क्या है? पूंजी है। क्या है? पूंजी है। जैसे मशीनें है, जनरेटर है, टर्बाइन है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है? पूंजी है। अगर जो मशीन है, औजार है, भवन है, ये एक बार खरीदो और कई सालों तक चले तो उसे स्थायी पूंजी कहेंगे, ठीक है। एक होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जो कुछ समय बाद यूज में लाई जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, मतलब लंबे समय तक नहीं होती। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कच्चा माल ले लो, अगर आपको गन्ने से चीनी बनाना है तो गन्ना आपका कब का पड़ जाएगा? चीनी नहीं बन जाएगा, तो खत्म हो गया गन्ना, ठीक है। इस तरीके से कच्चा माल हो गया, जो रुपए हो गए, नोट वगैरह है ना, तो ये सब किस में आते हैं? कच्चे माल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी बोलेंगे। चौथी आवश्यकता है, चौथी कौन सी है? आपको अपने उपभोग हेतु अथवा बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी के को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम चाहिए। क्या चाहिए? उद्यम। मैंने अभी आपको बताया भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ठीक है। तो चार हो गए, भूमि, ठीक है, पूंजी, श्रम और उद्यम, ठीक है। उद्यम मतलब सबको जोड़ के एक साथ काम में लाना, ताकि सारे काम सही से हो सके, ठीक है। इन सबका आपस में जुड़ना जरूरी है। तो चार हो गए, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये चार चीज़ें चाहिए होती है वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन में टिक करने को आएगा, बोलेगा इनमें से कौन सी नहीं है, तो एक काम कर देगा, उस जगह कुछ और लिख देगा, ठीक है। तो आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है, ये जो उद्यम है मानव पूंजी है। मानव पूंजी मतलब हम। अब एक मानव को पूंजी कब कहा जाएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक मानव को तभी पूंजी कहा जाएगा जब वो क्रियाशील हो, उसमें स्किल हो, ठीक है, और जब वो उस काम को करने वो लायक हो और देश के अंदर उत्पादन करने में योगदान दे रहा हो, तभी उसको पूंजी कहा जाएगा। अगर वो घर के अंदर बैठा हुआ है, बोझ बना हुआ है, कुछ देश को उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा, तो उसे हम पूंजी नहीं कहेंगे, ठीक है। और मानव को पूंजी बनाने के लिए फिर क्या क्या चाहिए? अगर आपसे पूछेगा कि एक मानव को पूंजी कब बनाया जा सकता है, तो वही, उसे शिक्षा दो, उसके स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको उस ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना, क्योंकि उस प्रकार का प्रशिक्षण, अब ये तो है नहीं कोई पैदा होता है सब कुछ सीख जाए, तो प्रशिक्षण भी तो जरूरी है। इस तरीके से सब चीज़ें चाहिए होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको बताता चाह रहा हूँ। देखो, पालमपुर में भूमि के बारे में बता रहा है ये। देखो, कृषि के उत्पादन की मुख्य क्रिया, अभी मैंने आपको बताया था कि कृषि पालमपुर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो काम करने वाले में 75% जो लोग हैं अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर, मतलब गाँव के अंदर 100 में से 75% लोग खेती बाड़ी से जुड़े काम ही कर रहे हैं। वे किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या तो वो किसान है, वो कृषि श्रमिक है, मतलब दूसरे के खेत में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, कृषि में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होते हैं। ये देखो, जमीन बढ़ेगी घटेगी नहीं, जमीन उतनी ही रहेगी। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के तहत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, मतलब जितनी जुताई होती थी उतनी जुताई हो रही है, ठीक है, 1960 से लेकर अब तक। उस समय तक गाँव की कुछ बंजर जमीन को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब जितनी बंजर भूमि थी उसको यूज में ले आया गया है। अब और जमीन नहीं है कि जिसको हम बढ़ा सके, उत्पादन बढ़ा सके, ठीक है। यानी कि अब हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। पता है उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर होता है? देखो, दो वर्ड हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता। देखो, उत्पादन का मतलब होता है जैसे ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे 40 क्विंटल उगता है, कितना है? 40 क्विंटल उगता है। तो अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें और ज़मीन चाहिए, ठीक है। लेकिन उत्पादकता का मतलब होता है कि इस ज़मीन पे 40 क्विंटल उगता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इस पे 40 की जगह 60 हो जाए, 50 हो जाए। तो हमने अच्छे बीज यूज़ कर दिया, उर्वरक यूज़ कर दिया, केमिकल यूज़ कर दिए, जिससे उत्पादन बढ़ गया। तो अगर उतनी ही ज़मीन पर उत्पादन बढ़ जाता है तो उत्पादकता होती है। और उत्पादन का अगर मतलब है कि जैसे अगर हमें ज़मीन एक और ला रहे तो उत्पादन बढ़ा, ठीक है। तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अभी मैंने आपको बता दिया कि भूमि पर अधिक पैदावार करने के लिए आपको उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। उत्पादकता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें उगाओ, क्योंकि एक से ज़्यादा फसलें उगाओगे तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी, उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उत्पादकता मतलब इसलिए मैंने कहा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो कई जो फसल होती है वो जब बदलते रहते हैं तो मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, तो उसके अंदर उगने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो, ये देखो,
यहाँ जिस प्रकार फसल उत्पन्न की जाती है, जैसे सुविधा उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से के गाँव की तरह लगता है। पालमपुर में समृद्ध भूमि पर कृषि की जाती है, कोई बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे हेतु इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की कृषि की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी में, देखो रबी की फसल कब उगाई जाती है, सर्दी के मौसम में। एग्जाम में पूछेगा कि रबी की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, सर्दी के मौसम में। ये देख ध्यान रखना, जो तो क्वेश्चन आया हुआ है वो बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे वो करते थे उत्पादन गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर बाकी गेहूँ को रायगंज की मंडी में भेज देते थे। मतलब जितना यूज़ खुद कर सकता खुद यूज़ कर ले, बाकी भर भेज दिया, ठीक है। इस तरीके से खरीफ जो है वो बारिश के मौसम में चावल है। खरीफ कौन है, चावल एग्जाम्पल है इसका, और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन चावल का बता रहा हूँ, ज्वार बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाजरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो बारिश के मौसम में है खरीफ, और रबी की जो है वो सर्दी के मौसम में है, ठीक है, याद रखना। भूमि के एक हिस्से में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है, क्योंकि गन्ने को काफ़ी टाइम लगता है उगने में, इसलिए एक साल में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में अथवा गुड़ के रूप में शाहपुर की व्यापारी को भेज दिया जाता है, मतलब कच्चे रूप में गन्ने का गन्ना भेज दिया या उसको गुड़ बना के भेज दिया, ठीक है। तो पालमपुर के गाँव के ये लोग करते हैं। अब पालमपुर में एक साल में किसान तीन विभिन्न फसलें इसलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्था है। मतलब देखो ये नहीं है कि आप फसलें तीन उगा ली तो ऐसे उग गए, नहीं, अगर आपके पास पानी ना होता तो कहाँ से करते। पालमपुर के गांव के लोग फसल इसलिए उगा पाए क्योंकि उनके पास सिंचाई की सुविधा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पालमपुर में बिजली के आने से क्या क्या फ़ायदे हुए। तो पालमपुर में बिजली के आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, एक ही वर्ष में तीन फसलें उगाई जाने लग गई, ठीक है। अनेक प्रकार की समस्याएँ जो होती है जो बिजली के बिना पैदा हो जाती है वो सारी हल होने लग गए, ठीक है, ये लिखना। और तब तक कृषक कुओं को से रहट द्वारा पानी निकाल के छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। देखो पहले क्या होता था, जब बारिश जब बिजली नहीं होती थी तो कुओं से निकाल निकाल के पानी भरा करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली के चलने वाले नलकूपों से अधिक, मतलब बिजली से चल रहे नलकूप तो प्रभाव के ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। शुरुआत में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने व्यक्तिगत नलकूप लगाना, मतलब अपने पैसे खर्च करके लगाने शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें इसे फायदा लगा। और 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लग गई, ठीक है। तो इस पूरे इलाके में किसे होने लगे जुताई, बिजली से, बिजली में सिंचाई होने लगी। सिंचाई मतलब होता है पानी देना, ठीक है। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा जब फसल उगाई जाती है उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक साल में एक जमीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े के ऊपर बढ़ाने की सबसे सामान्य पद्धति, देखा लिखा आ गया ना कि अगर किसी के ऊपर बढ़ानी है तो सबसे आसान तरीका है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसल उत्पन्न करते हैं, मतलब पालमपुर के सारे किसान दो फसल तो साल में उगाते ही उगाते हैं। कहीं कृषक पिछले 15-20 सालों से तीसरी फसल भी, जैसे आलू उगाना शुरू कर दिया, उन्होंने आलू उगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ही भूमि के टुकड़े के उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है, अगर भूमि को उपज बढ़ाना है, ठीक है, तो बहुविध फसल प्रणाली। और दूसरा तरीका ज़्यादा उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना। तो देखो अगर आपसे पूछे कि जमीन में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, पहला बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग। बताया था ना मैंने आधुनिक कृषि विधियों में HYV बीजों का प्रयोग, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म के बीज इनका प्रयोग किए जाने लग गया। अब सुनो हरित क्रांति के बारे में, सुनो हरित क्रांति के ऊपर पार्ट में मेरा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आई थी, कब आई थी, 1960 के दशक में, ठीक है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक उपज हो, ठीक है। HYV बीजों का प्रयोग किया गया, इससे क्या हुआ, गेहूँ और चावल के उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। और जो पुराने बीज थे उसकी तुलना में HYV बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। अनाज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, देश को आत्मनिर्भर बनाना का मुख्य लक्ष्य था इसका। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी देखे गए हैं। नुकसान ये देखा गया कि इसका जो लाभ है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा आदि राज्यों को मिला, बहुत से उड़ीसा जो देश है, बिहार, इन राज्यों को इतना लाभ इसका नहीं मिल पाया, ठीक है। तो अगर आपसे हरित क्रांति के बारे में पूछे तो उसके लाभ हानि बता देना, ठीक है। तो बोला हरित क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, हरित क्रांति के द्वारा HYV बीजों का प्रयोग किया गया, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इससे देश आत्मनिर्भर हो गया और बहुत से किसानों को जो गरीबी का सामना करना पड़ता था उससे उनको छुटकारा मिला। अनेक प्रकार की समस्याएं उनकी दूर होने लगी, उनके जीवन की आय आर्थिक रूप से वृद्धि होने लगी, आय बढ़ने लग गई, ठीक है। सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो गई और उनकी उपज हो गई तो उनका जीवन स्तर भी ऊँचा उठने लग गया, ठीक है। पंजाब हरियाणा यूपी पश्चिम यूपी को उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला, ठीक है।
और नुकसान में लिख देना कि जो है इससे क्या बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया गया था तो ज़मीन की ताकत जो है वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। और दूसरा ये लिख देना कि पंजाब हरियाणा यूपी को इसका लाभ मिला, बहुत सारे राज्यों को इसका लाभ नहीं मिला, और इससे क्या हुआ अमीर और गरीब में काफ़ी अंतर बढ़ गया। कुछ किसान जो इसका फ़ायदा उठा पाए वो अमीर होते चले गए, जो किसान इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए वो गरीब पे गरीब होते चले गए, ठीक है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता देना, ठीक है। तो ये सारे का सारा देखो क्या क्या किया गया था हरित क्रांति में, बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि सबको मिला के यूज़ किया गया था। देखो लिखा ना भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया, और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती की सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों और रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, तो इनको ज़्यादा लाभ मिला, बाकी और जो राज्य थे उनको लाभ नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये हरित क्रांति के बारे में लिख देना, 5 नंबर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नोट्स बनाते रहना तभी बेनिफिट होगा, इसलिए लेसन अच्छे से समझाता हूँ। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूँ की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। देखो पालमपुर में बता रहा है कि जो पुराने बीज थे ना उससे 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन जब HYV बीजों का प्रयोग किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बन गया। तो इसे कहते हैं उत्पादकता होना, ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। ये कह रहा है क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, देखो मतलब जितना हम केमिकल यूज़ करते चले जा रहे हैं तो क्या धारण कर पाएगी। देखो अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ज़मीन की ताकत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो ये इसका दूसरी तरफ नुकसान भी है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो हम बोलेंगे कि हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, मतलब हमें धारणीय विकास को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, धारणीय विकास को, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए किया जाने वाला विकास धारणीय विकास कहलाता है। बोलोगे हमें भूमि तो इस प्रकार से रसायनों का प्रयोग करना चाहिए कि उसे नुकसान ना हो, ठीक है, और हो सके तो हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़मीन की ताकत बने ना कि उसकी ताकत ख़त्म हो, ठीक है। जैसे हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑर्गेनिक जो खेती होती है वो करनी चाहिए, ठीक है। पालमपुर में कृषकों में भूमि किस प्रकार वितरित है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि पालमपुर में जो ज़मीन है किसके पास कितनी कितनी है। तो देखो पालमपुर में मैंने आपको बताया था लगभग 450 परिवार हैं, ठीक है। देखो 150 परिवार हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बताया था ना मैंने, एक तिहाई जो लोग हैं, ठीक है, जो SC थे, दलित जो थे, है ना, उनके पास ज़मीन नहीं है। अब बाकी बचे 240 परिवार, और जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर कृषि करते हैं, मतलब इनके पास भी ज़मीन है लेकिन ये भी इतना अमीर नहीं है, 2 हेक्टेयर से कम ही है इनके पास, ठीक है। और ज़मीन के ऐसा टुकड़ा पर खेती करने से किसानों के परिवारों को प्राप्त आय नहीं मिल पाती, इतनी इनकम नहीं कमा पाते। तो आपसे अगर पूछेगा पालमपुर में किसको की भूमि के बारे में बताए, तो बोलना लगभग 450 परिवार है, 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पर खरीदी करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और बाकी जिनके पास ज़मीन भी है, जो बाकी बचे उनका 2 हेक्टेयर से कम है, वो इतनी इनकम नहीं कमा पाते कि अपने घर का गुजारा कर सके, इसलिए उनको दूसरे के यहाँ पर भी खेती करने जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप खुद पढ़ोगे कि ये जो गोविंद के बारे में कहानी बता रहा है कि उसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, इसके टॉपिक आपको खुद पढ़ना है और ये पूरी कहानी भी आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बता रखा है कि जो मझोले किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वो किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी वगैरह करते हैं। अब सविता की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी काफ़ी आया हुआ है किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, तो इसे भी आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा जान लो कि जैसे ये जब किसान जो है वो कृषि का काम तो करते करते हैं, ठीक है, उसके अलावा गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं। तो गैर कृषि कार्य में जो है डेयरी, मैंने डेयरी आता है पालमपुर में, लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटा मोटा जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाता है, और परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट का काम जैसे बैलगाड़ी हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, तो ये काम गैर कृषि वाले करते हैं। और दुकानदार तो आपको पता है, दुकान खोलना जिसमें राशन का सामान मिलता है, बिस्कुट, साबुन, टूथब्रश मिलते हैं, तो ये गैर जो है कृषि कार्य है, ठीक है। तो एक मिनट अगर कुछ छूट गया तो देख लेता हूँ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि पालमपुर में बिजली के आने से किस प्रकार से किसानों को मदद मिली, तो आप बता सकते हो कि पालमपुर में जो है बिजली आ जाने से सिंचाई की सुविधा अच्छे से हो गई, पंखे, प्रेस मशीन आदि का इस्तेमाल अच्छे से होने लग गया, नलकूपों का प्रयोग होने लग गया, ठीक है, और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठने लग गया। तो क्या सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है? देखो सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो बारिश पर जो आत्मनिर्भरता होती है वो कम हो जाएगी, किसानों की आय बढ़ने लग जाएगी और किसान अच्छे से अच्छा उत्पादन कर पाएंगे और उनकी इनकम में वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जब भूमि
भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके थे, मैंने आपको बता दें, बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया गया था। दूसरा, आधुनिक कृषि के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। बहुविध फसल प्रणाली का मतलब होता है जब एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। आधुनिक कृषि का मतलब होता है HYB बीजों का प्रयोग करना, केमिकल, ट्रैक्टर, नलकूप, इनका प्रयोग करना। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक हेक्टेयर भूमि में के मालिक किसान के कार्य का विरोध कीजिए, मतलब जो एक हेक्टेयर भूमि है ना, जिसके पास एक हेक्टेयर भूमि है, खाली एक हेक्टेयर, तो उसकी स्थिति बताइए। देखो, एक हेक्टेयर भूमि है तो बहुत कम है, तो इसमें जो उत्पादन होगा अपने परिवार के लिए बहुत मुश्किल से कर पाएगा, है ना। दूसरा, वो अपने आप को मतलब जीवित रखने के लिए तो दूसरे के खेत पर भी जाकर भी काम करेगा, ठीक है, दूसरे का नौकरी करेगा, तो उसके अलावा भी उसको और भी काम करने पड़ेंगे, उसके सारे परिवार को काम करके करना पड़ेगा, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन करना। तो आप जो इसमें लिखा है इसको मत देखना और अच्छे से लिखना, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की बुक नहीं है ना। देखो, मझोले और बड़े किसान किसान कृषि में से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। देखो, जो मझोले और जो बड़े किसान हैं कृषि से कैसे पूंजी, मतलब जो मझोले हैं और जो बड़े किसान हैं, मतलब मझोले और बीच के, ज़्यादा गरीब नहीं है, मतलब अमीर भी नहीं है तो गरीब भी नहीं है, तो ये कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, छोटे किसान से कैसे अलग है। देखो, बड़े और जो मध्यम किसान हैं इनको पूंजी की आवश्यकता है, तो इनको तो आराम से पैसा मिल जाएगा क्योंकि इनके पास लाभ होता है, ठीक है, इनके पास पहले से ताकत है, ग्रामीण बैंक और बैंक इनको आराम से लोन दे देंगे। लेकिन जो छोटे किसान, उसके पास कुछ गिरवी रखवाने के लिए कुछ नहीं होता, तो अगर इन्हें लोन लेते भी हैं तो ये इनको बहुत महंगी दर पर ब्याज, बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, और ये ब्याज की दर दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, और फिर ब्याज लोन को चुकाने के लिए और लोन लेते हैं, इस तरीके से उसमें फंस जाते हैं, कई बार वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये आप इसमें लिख देना, ठीक है। फिर मैंने कहा था सविता वाला आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें क्वेश्चन है तो बता देता हूँ कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला। जो सविता थी उसको कब लोन, कैसे लोन मिला। देखो, सविता बहुत गरीब किसान थी, है ना, तो तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने का कर देता, तो ब्याज की बहुत ऊँची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम से उसके खेतों के श्रमिक के रूप में 35 रुपये पर दिन पर काम करेगी, और बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने से सविता की स्थिति अच्छी होती। अगर वो बैंक से लोन लेती तो बैंक इतना ज़्यादा लोन नहीं, इतना ब्याज नहीं लेते हैं, क्योंकि उसे तेजपाल के खेतों में कटाई का कार्य ना करना पड़ता और ब्याज की उचित दर नहीं चुकानी पड़ती, और वह अपने बच्चों की देखभाल और परिवार के कार्य की सरलता से कर पाती, ठीक है, क्योंकि बैंक, ठीक है, ये होता औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण। अगर आपसे पूछ ले औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण क्या है, ऋण मतलब होता है लोन लेना, है ना, तो औपचारिक ऋण वो होते हैं जो बैंक से सहकारी समिति से लिए जाते हैं, जिस पर ब्याज की दर बहुत कम होती है, ठीक है, जिसमें गारंटी वगैरह भी रखवाना पड़ता है, ठीक है, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, जबकि अनौपचारिक वो होते हैं जो सेठ जी, लाला जी, रिश्तेदारों, इनसे लिए जाते हैं, तो ये ब्याज की दर यहाँ बहुत ऊँची होती है, तो गिरवी भी रखवा लेते हैं, लेकिन ये जल्दी लोन दे देते हैं। औपचारिक ऋण में प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछो औपचारिक और अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं, तो आप उसको बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन भी आप देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जो जो मेन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया है, ठीक है। स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, जो तो एग्जाम में बहुत बार आएंगे, एक ही चीज़ अच्छे से बताइए। उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और मुझे क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और आज के लिए इतना बहुत है, और उम्मीद करूँगा आपको ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी आपको अच्छा लेसन समझ आएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगा, तो अगर आप कोई पहले लेसन को जानना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स पर लिख देंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।